प्लीज हाय भाऊ, कैसे हो? नमस्कार, कंग्रेचुलेशन टू यू एंड द एंटायर टीम। भाऊ, मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये जो टाइटल अनसुनी जो है, तो कभी इस पर इस चर्चा कैसे हुई कि इसको रखना है, या फिर कभी भावों की अदालत इस तरह की कोई बात हुई थी? क्योंकि ये अदालत है आपकी और आप उसका फैसला ले रहे हैं, तो उस तरह की कोई बातें निकली थी? ये पहला वाला क्वेश्चन, और मेरा एक दूसरा क्वेश्चन भी है। देखो, अपने न्यायालय ना, और संविधान से बढ़कर कोई नहीं। यहाँ पे न्यायालय न्यायालय होता है, और भाऊ अदालत नहीं करता है, भाऊ फैसला सुनाता है, ऐसा है। तो मैं वो आवाज पहुंचाता हूं लोगों की, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है। फिर वो कोई भी रहने दो, छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, कोई भी रहने दो, बस आवाज पहुंचाता हूं मैं, बस और कुछ नहीं। और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि भाऊ को शायद ऑफर भी आया होगा बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी से कि तो हम आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए देखेंगे, क्योंकि लोगों का बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिस्टम में रह के सिस्टम को सुधारो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो कभी कभी सिस्टम में रहकर भी सिस्टम को सुधारने की कोशिश, तो इस तरह के कोई प्लान है? देखो, आपको एक बात बताता है, आज मुझे 5 साल हो गया और सबको मालूम है मैं कैसा है और क्या करता हूँ। तो आपको लगता है कि अभी तक पॉलिटिशियन लोगों ने मेरे को नहीं बुलाया पार्टी में ज्वाइन करने के लिए? सबने बुलाया, और मेरा क्या है मालूम है, हर वो पार्टी वालों से सबसे अच्छा है मेरा रिलेशन, और मैं पार्टी कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, ना कौन सा पद लूंगा या कुछ जाऊंगा काम, क्योंकि आज मेरी मैं 1 करोड़ लोगों की जबान है। अगर मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा, मैं कुछ बोलने को जाऊंगा, ऊपर टोपी पहने वाला नेता आएगा और बोलेगा ये बोलने का नहीं, और मैं किसके बाप का सुनता नहीं, वो कोई भी नेता रहने दो, ऐसा है। तो ये पॉलिटिक्स में जाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मेरा सबसे अच्छा है, और हर पार्टी का कोई भी रहने दो। देखो, अभी आज ममता, तो मेरे सोशल मीडिया पे जाके देख लेना, मैं अभी ये महीने में 3-4 बड़े बड़े मिनिस्टर की बजाया, अभी गलत बोलेगा मैं बजाएगा, मैं किसके बाप को नहीं डरता, कोई भी रहने दे। मेरा सवाल आपसे है, जैसे अभी खुद आपने माना कि गलत बोलेगा तो भाव बजाएगा, आपके सामने जब लोग आते थे तो क्या आपने उनके चेहरों पे डर देखा, एक भरोसा देखा, एक विश्वास देखा, क्या एक छवि आपकी? और ये भी है कि आप न्याय के लिए हमेशा लड़ते हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा? देखो, क्या है ना सर, मैंने बचपन के 11 साल की उम्र से ना मैंने दुनियादारी किया है, मैंने वो हर चीज देखी है, हर चीज, वो फिर हर इंसान को देखा है, वो फिर दादागिरी से लेके पॉलिटिशियन से लेके मैंने हर लोगों को देखा है और नजदीक से आजमाया है, सब कुछ आजमाया है। तो आप भी ना किसी को देखता है ना, तो इतना तो समझ जाता है कि इसकी औकात किधर तक है, किधर तक जा सकता है, कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, इतना तो समझ में आता है सर। और आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई वाला साला किधर भी दुनिया के कोई भी कोने में जा दो, कभी फंस नहीं सकते, ऐसे। शो के दौरान आपके रियल लाइफ में जो शिकायतें आई हैं, क्या वो लोग भी जुड़े हैं इस शो में? नहीं, अभी तक तो, अभी हमारा जो एपिसोड हो गया, 50 एपिसोड खत्म हो गया अभी, इसके आगे जो होगा वो होगा, मगर आपको और आपके मीडिया वालों को पता है कि अभी गए साल ही मैं जेल काट के आया, किस वजह से काट के आया वो सबको मालूम है। तो ऐसा कोई भी आवाज उठाने का जब आता है मेरे पास, तो मैं आवाज उठाता है, फिर उसके लिए केस भी खाने को तैयार रहता है, मैं डरता नहीं। भाव, यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, अभी जैसा आपने मेंशन किया कि ये हर घर की कहानी है, सो जब वक्त के साथ साथ हालात भी बदलते हैं, अपने खुद की अगर बात करूँ, जैसे आपके खुद के घर की बात करूँ, जब कुछ हालात बिगड़ जाते तो आप किस तरह पर्सनली मैनेज करते हो ये सब चीजें? महादेव की कृपा है कि ऐसा तो इंडिया में तो कोई सा आंख नहीं बना कि मेरे घर के तरफ बुरी नजर से कोई देखे, ऊपर वाले का शुक्र है। और दूसरी बात, मेरे पास ना आप जैसे बहने बहुत आते हैं जिनको तकलीफ होता है, जिनका सुनवाई किधर किधर नहीं होता है, तो मैंने आपको बोला ना, मेरा हर किसी से रिलेशन अच्छा है, हर जगह, हर कोई भी फील्ड में, सामने वाला कितना भी बड़ा तुर्रम खान रहने दे,
उससे एक सीढ़ी ऊपर ही है मैं, तो बस एक बटन दबाने की जरूरत पड़ती है मेरे को, वो मेरे बहन बेटी का काम हो जाता है। लेकिन ये भी जानना चाहूंगी, अगर ये ना जब इतनी बड़ी बड़ी आप चीजें करते हो, आपको धमकियां भी मिलती, तो कभी ऐसा नहीं लगता आपके बच्चे भी है, आपकी वाइफ मम्मी है, तो उसको उनको लेके कभी ऐसा दिक्कत नहीं होती कि आपको यू नो इतना बड़ा स्टेप लेना, किसी के लिए थ्रेट्स आना? देखो, अगर हर कोई इंसान यही सोचेगा ना कि मैं, मेरे को क्या करना है, मैं क्यों बोलूं, तो फिर आज जो चल रहा है ना वो चलते रहेगा ना, चलते रहेगा। मैं भी ये सोचे यार मेरे को क्या कर, मेरे पास गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है, मैं चुप बैठू, मैं क्यों दुश्मनी लो, मेरा भी बच्चा है, मेरी भी बीवी है, मेरे पे 10 करोड़ का इनाम आया ऐसा ही रखा है ठोकने का, सबको मालूम है, मीडिया रिकलर है, अकेला वन मैन शो जाता है पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें तो मैं आके दिखाओ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जिसके भी पिछवाड़े में ताकत है कॉलर पे आग लगा के दिखाना, बस ताकत रखता है इसके लिए ठोकता है। थैंक यू सो मच। विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन नाउ प्लीज। रिपू जी, मेरा सवाल आपसे, जब आपने पहली बार शो के बारे में बताया हिंदुस्तानी भाव को, तो जिससे सुनकर आप हैरान हो गए, या फिर कोई एक कोई घटना अगर सुनाना चाहे तो? दो कहानी थी इसमें, एक कहानी थी जो पहाड़ी जो गांव होते हैं ना वहाँ के रहने वाली एक लेडी थी, जिसका वो पहाड़ों में जब काम करते हैं ना, साइकिल से जाना, लकड़ी तोड़ के लाना, खेतों में काम करना, भागना, ये सब, जिसमें वो वजनिटी जो होती है वो चली जाती है उसके काम करने से। तो जब उसकी शादी हो गई तो फिर उसके पति ने वो दिन वो रात को गलत समझा उसको, और वो दिन से लेके उसका बेटा कुछ 18-19 साल का है, तब तक वो बेटी को भी यही सिखाया कि तेरी माँ गलत है, उसका इधर उधर है, वो उसको समाज नहीं समझ पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था, वो बस उसके ऊपर उंगली बता रहे थे कि ये गलत है। तो वो चीज ना बहुत ये लगी, जैसे कि आज देखो आज की जो जनरेशन है जो टेनिस और ये सब खेलती है जिसमें लेडीज होती है, इसमें ये होता है, तो उसको समझो। मगर वो लेडी जो गांव की है उसको कौन समझेगा, तो उसके ऊपर वो उंगली दिखाना चालू हो गया था। तब मैंने वो दोनों को, बाप को और उसके बेटे को, मेरे तरीके से बहुत अच्छा समझाया, फिर वो समझ गया कि नहीं, वो बच्चा पढ़ा लिखा कॉलेज में, मगर उसके दिमाग में जो गंदगी एक बार भरी जाती है ना किसी के, तो वो उसको वो 4 किताबें भी नहीं समझ सकती है ऐसे। तो फिर मैंने उसको तरीके से समझाया, समझ में आया। और दूसरा एक था कि एक रिक्शा वाला है जिसकी पत्नी बेटा होने के बाद कुछ 2 या 3 साल की बात ऑफ हो गई, वो रिक्शा चला के अपने बच्चे को छोटे से बड़ा किया, घर नहीं था वो, घर में वो रिक्शा में सोता था, ये सब करके भीम की वापस सबका सेवा किया उसने, माँ बाप का ये सबका वो रिक्शा से किया। मगर जब उसका बेटा बड़ा हो गया, बड़े कंपनी में गया, तो फिर वो बोला कि मुझे शर्म आती है, मेरे ऑफिस के लोग मुझ पे उंगली बताते कि तेरा बाप रिक्शा चलाता है, तो वो रो रहा था, उसकी जिंदगी है वो। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा एक दोस्त था, आज तब उसकी माँ है, आज भी सब्जी बेचती है, बहुत पैसा है उसका, बहुत यानी बहुत पैसा, मगर वो तब से जब वो छोटा था तब से वो सब्जी बेचती है, इतना सब बस वो लेके जाती है, सब्जी बेचती है, वही जगह पे उसका जगह है वहां पे सब्जी बेचती है। तो वो एक बार मेरे साथ बैठा था, बोलता है भाऊ पैसा फटे यार, मेरी माँ नहीं सुनती यार, लोग मेरे पे उंगली बताते हैं, तू बता क्या करो। मैं बोला देख, वो उसको पता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया, बहुत पैसा है, मगर ना उसको सुकून वहां मिलता है, वो जब वो सब्जी जाके बेचने को बैठती है ना, तो वो जो पहले से लोग आके उसको बोलते ना, क्या रे आई, कैसी है तू, क्या रे बुड्ढी, हम लोग भी ऐसा करते बात, कैसी है तू, फिर कोई उसके जगह पे रहेगा, ए उधर सरक, ये मेरा जगह है, तो उसको वो पहले से वो आदत गिरी है, उसको उसमें खुशी मिलती है, वो भले 50 की सब्जी बेचती है मगर उसको ये लगता है वहां पे खुशी मिलती है उसको, जो बचपन से जो अभी तक उसको जो लोग मिलते आ रहे हैं ना, वो लोग उसको रोज देखते हैं, तो कितना भी बंगला बांध,
कुछ काम करने पर ये उसका सपना मत तोड़, उसको खुशी मिल रही है ना उसमें खुश रहने दे। वो दिन वो आदमी मेरे को बुलाया, यार इतने लोगों को बुला, वो बोले यार वो पागलों के लिए छोड़, उसको उसको ध्यान मत दे। मगर मैं उसको समझाया कि उसको जिसमें खुशी मिलती है ना उसको खुश रहने दे। तो वो खुश हो मेरे को तब से, वैसे मैं रिक्शा वाले का भी इसको बोला कि उसमें खुशी मिलती है उसको, कितना भी बंगला बनाने दे कितना भी करोड़पति होने दे, मगर माँ बाप को जो चीज में खुशी नहीं मिलता है तो फिर वो बंगला गाड़ी का कुछ मतलब नहीं। ऐसा बातों को समझना बहुत, आप ये नहीं देखेंगे कि ये चैनल कुछ अच्छा मैसेज दे रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, ये नहीं सोचेंगे। कुछ ना कुछ उंगली करने का मालूम रहता है इनको, कुछ काम धंधा नहीं रहता है। ये घर पे बैठ के पेपर पढ़ता है, आदमी बर्गर लेता है पेप्सी लेता है और फिर वो कुछ रूप सर्च करता है, क्योंकि इनका भरा पड़ा है ना। हाँ ऐसा है, तो ये जज करने वाले बहुत मिलेंगे अभी, अपने अपने वो डॉक्टर बनेंगे अभी। ऐसा नहीं चाहिए था, ऐसे चाहिए था, ये गलत किया, ये ऐसा किया, ऐसे बहुत नमूने मिलेंगे और मैं चाहता हूँ कि मेरे को ऐसे नमूने मिले। इस शो के द्वारा काफी सारे लोग ऐसे आएंगे सामने और सभी के लिए ये एक्सपीरियंस शेयरिंग जो एक प्लेटफॉर्म है, और भाऊ आप हैं यहाँ पे तो फिर आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच, इट्स अ परफेक्ट जो बोलते हैं ना परफेक्ट डिश बीन प्रिपेयर्ड, परफेक्ट डिश बीन। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि जो लोग आते थे ना मैं उनसे कुछ पूछता था, वो स्टार्टिंग में ना वो चीज जो गुजरी है मेरे सामने इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि क्या क्या होता है। तो पहले इन लोग ना मेरे को इधर कान में चालू रहता था, भाऊ नहीं करना कुछ, भाऊ गाली नहीं देना, भाऊ भाऊ इसको मारना नहीं हो भाऊ, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है ना, सिचुएशन ऐसी होती है कि साला रोंगटा खड़ा होता है वो सामने वाला बताता है तो कि मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे बच्चे ने ऐसा किया, तो वो सिचुएशन। ये लोग तो क्या नीचे बैठ के है, मगर उधर जब मैं उनके साथ फिर आके नहीं मिला पाता है ना, वो मुझे अपना एक दुख सुना रहा है, अपना दर्द सुना रहा है। अगर मैं वो देख के भी अनजान बनू ना तो फिर वो बहुत लोग है आपके सामने आपका आपको बहुत बोलेंगे, अरे फेरी बहुत बुरा हो गया यार, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा हो गया, और फिर वो ही ना बाहर जाके वो दुख का मजाक उड़ाएंगे। तो कोई अपने को अपना तकलीफ सुनाता है ना तो वो अपना समझ के सुनाता है, तो दिल से सुनना चाहिए, दिमाग से नहीं। ऐसे हमें बहुत खुशी है कि आप इस शो को होस्ट करें और हमें बहुत बहुत आनंद है कि अतरंगी ऐप पर ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए हैं। मैं एक आप सभी से बात करने का मौका मिलेगा तो चलिए हम आप सभी से एक एक करके सवाल पूछेंगे, हमें प्लीज बताइए इन सभी के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, क्या बात थी। तो विभू जी सबसे पहले हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि नॉन फिक्शन में आपने एंटर किया है और साथ ही साथ अतरंगी ऐप ने फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों में ही अलग अलग जॉनर में शोज किए हैं, पर टिंक ने व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और हम जानना चाहेंगे कि टिंक का रिस्पांस कैसा था और फिर बाद में इस कॉन्सेप्ट के बारे में। सो प्लीज पहले तो मैं कह दूँ कि ये जो शो है ये अनसुनी है, किंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैम ने पूछा है तो किंग पे बहुत अच्छे नंबर्स गेन किए हैं। सबसे ताज्जुब की बात ये है कि फीमेल सेक्शन को बहुत अच्छा लगा, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट्स और रिकॉर्ड्स हैं जो नंबर्स आए वो फीमेल्स के बहुत ज़्यादा हैं और iOS यूजर्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं। और नॉन फिक्शन की जो बात कहें तो आज की तारीख में काफ़ी चैनल्स काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म्स इसको ट्राई कर रहे हैं और ला रहे हैं, लेकिन नॉन फिक्शन शोज एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि फिक्शन बनाना एक बहुत आसान काम होता है, बट नॉन फिक्शन के लिए बहुत ही बहुत गंभीर रूप से इसमें काम किया जाता है, इसमें बहुत रिसर्च की जाती है और इसको बनाना एक टाइम टेकिंग है। मतलब अगर मैं अनसुनी की बात करूं तो अनसुनी ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में बना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक थॉट प्रोसेस था, मतलब वो चीज़ें बनाई गई, फाड़ी गई, फिर बनाई गई, फिर सोची गई, तो
ये बहुत ही एक बहुत सोच के साथ और एक बहुत मजबूत इरादे के साथ इसको बनाया गया, और फिक्शन शो के नॉन फिक्शन शो के अंदर आने का इरादा, या इसके और भी हमारे हम लोग और भी कई शोज ला रहे हैं, और अनसुनी का हम अफकोर्स सीजन 2 लाएंगे, क्योंकि भाव से भी मिलने के लिए लोग बहुत व्याकुल हैं, अपनी बात कहने के लिए बहुत व्याकुल हैं। तो नॉन फिक्शन शो हम अफकोर्स आगे भी ला रहे हैं, और ये एक ऐसा पर्टिकुलर हिस्सा है जो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी कम है, अवेलेबिलिटी नहीं है, और नॉन फिक्शन अब लोग ज़्यादा देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उसके पीछे लाने का मोटिव यही है। इसके बारे में कुछ बताया कि किस तरह से आप कब ये शुरू हुआ ये कॉन्सेप्ट। प्रेस का यहाँ पे आना, हमारे को कवर करना, उसके लिए थैंक यू। अनसुनी एक्चुअली हम लोग एक साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा कि मुझे ने कहा कि पेपर फटते थे, कॉन्सर्ट फटते थे, क्योंकि आई थिंक इसका ओनस काफ़ी हमारे होस्ट पे जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा और इंस्पायर हुए। आई थिंक द डे वी सील्ड हिंदुस्तानी भाव ऑन पेपर विद विभू जी मी एंड दरवेश एंड कैडी, आई थिंक वी हिट होम। हमें तब पता चल गया कि हमें किस तरह का कॉन्सेप्ट बनाना है, और बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास स्टोरीज आने लग गए। हमने जब पहला उनका बाइट डाला था कि आप हमारे पास स्टोरीज लेकर आइए, मतलब हम खुद चकित थे कि कई लोग बहुत नॉर्मल चीज़ें भी उनसे शेयर करना चाहते थे। तो अगर आप देखेंगे सीरीज, तो हमने कुछ फनी वाले स्टोरीज भी रखे हैं, कुछ रियल इंसिडेंट भी रखे, कुछ हार्ट हिटिंग स्टोरीज भी हैं, क्योंकि आई थिंक जैसे उनकी पर्सनैलिटी है होस्ट की, लोग सोचते हैं कि बाय हुक और बाय क्रूक हमें कुछ जस्टिस तो मिल जाए। मैं ज्यादा उसके बारे में रिवील नहीं करूंगी, बट जेन्युइनली क्या हो रहा है कि जब हम टीवी चैनल्स देखते हैं तो बहुत सारे डांस शोज, सिंगिंग शोज हैं, कैप्टिव रियलिटी शोज हैं, जिसमें हमने भी काफी अच्छा किया हुआ स्किन, बट कोई ऐसा शो नहीं था जहाँ पे कॉमन मैन आके अपनी कहानी बताना चाहे, जितनी भी छोटी हो जितनी भी बड़ी हो, जैसा कि टाइटल बोलता है अनसुनी। तो हमें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिससे उन्हें लगे कि वो कन्फाइड भी कर सकते हैं, और जिससे उन्हें ऐसा लगे कि कुछ जस्टिस भी मिले। तो कॉन्सेप्ट आया जब हमने उनका बाइट डाला, स्टोरीज आने लगी, आई थिंक ऑटोमेटिकली बन गया। अब ऐसा है कि हमारे पास स्टोरी सीजन से ज्यादा, हमारे पास 4 सीजन की स्टोरीज एंट्रीज आ चुकी है, एंड गॉड इज काइंड, काफी हमें उम्मीद है कि ये शो, मतलब हमें तो फर्स्ट लॉन्च में पता चल गया था कि हिट है, बाकी तो नंबर्स बताएंगे। आई थिंक ओवर टू विभू जी, आप बताइए क्या आपको लग रहा है अनसुनी से। मुझे तो बहुत अच्छी उम्मीद लग रही है, क्योंकि इतने फैन फॉलोइंग है, मतलब लोग सिर्फ कुछ लोग तो एक रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे सर से मिलना है, और सर से ही मुझे भाव से ही बताना है कि मेरी समस्या क्या है। और जैसा भी निविता जी ने बताया कि काफ़ी हमारे पास, मतलब ऑफकोर्स 3-4 सीजन्स के हमारे पास इतनी स्टोरीज आ गई हैं कि हम लोग सेलेक्ट करने में हम लोग को मुश्किल हो रहा है कि क्या कैसे वो करें। लोगों की अपनी कहानियाँ, अपनी तकलीफें जो हैं, मतलब ऐसी ऐसी तकलीफें हैं जो क्या होता है। तो क्योंकि हमने इसका एक जैसा कि सोशल मीडिया में भी डाला था, मोबाइल नंबर एक था, मतलब कॉल सेंटर का नंबर था वो, और मेल आईडी डाला था, तो उसमें भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेल्स किए हैं और कॉल करके अपनी समस्याओं को बताया। तो अभी नंबर्स का तो ये शो जो है वो हफ्ते में 2 एपिसोड्स आएंगे इसके, और ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो ये इससे जो है काफी उम्मीद आपको लग रही, क्योंकि ऐसा शो अभी तक नहीं बना। थैंक यू। वैसे हम लोग सभी उत्सुक हैं इसको देखने के लिए। अच्छी बात है कि आज से ये स्ट्रीम हो रहा है अतरंगी ऐप पर। मेरा अगला सवाल यही था कि इस पर्टिकुलर शो के लिए हमें हिंदुस्तानी भाव को ही एज अ होस्ट क्यों चुना, तो भाव आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले कैसे आया तुम्हें?
एकदम मजे थैंक यू सर. आपसे हम ये सवाल पूछना चाहूंगी कि इस शो में एक ऐसी क्या खास बात आपको लगी, क्या हुआ कि आपने फैसला किया कि चलो ये शो को होस्ट करते हैं, क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था? अभी मुझे सोशल मीडिया पे 5 साल हो गए. 5 साल में मैंने हर किसी को बताया कि जो भी मेरे देश के खिलाफ बोलता है या देश के लोगों के खिलाफ बोलता है, मेरे आर्मी, मेरे लोग, जिसके भी खिलाफ बोलता है तो मैं छाती ठोक के उनकी बजाता है. कोई भी होने दो, मैं इसके नाम से नहीं डरता है, ऐसा है. और जितने भी लोग हैं मेरे पास वैसे भी आते हैं, उनकी तकलीफें रहते हैं, किसी की पुलिस स्टेशन की तकलीफ है, किसी किसी के वो भाई लोगों की तकलीफ है, गरीबों को तकलीफ देना, ऐसे बहुत रहते हैं ऐसे. और ऊपर वाले के शुक्र से आज के तारीख में यही मेरी दुनिया, ये मेरी दौलत है जो मैंने कमाया है पूरे इंडिया में. और पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी स्टेट में 1 से 2 घंटे के अंदर में 25,000 लोगों को खड़ा कर सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरे में. तो यही मैंने कमाया. आज मैं पहली बार अभी जम्मू गया था, फर्स्ट टाइम गया मैं. मुझे नहीं पता था कि वहां पे मेरे फैंस रह गए क्या है, मगर पूरा स्टेडियम मैच छोड़ के सिर्फ मेरे को आवाज दे रहा था. तो वो खुशी है, यही कमाया मैंने ना, यही कमाया. और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से वो जो जिसने वो दिन देखे है ना, वो दूसरों का ऐसा दुख देख नहीं सकता है. तो इसके वजह से जिसकी भी ऐसा होता है, तकलीफ होता है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मेरा कुछ योगदान रहे तो अच्छा लगता है मेरे को. तो ये मेरे पास बासु मैम और कैडी अरुण भाई ये सब आए थे लेके कि भाव हम ये करना चाहते हैं, लोगों की आवाज क्या है ना, ये अनसुनी ये चीज है कि आज हर को घर में, हर परिवार में, हर समाज में ये चीजें हो रही है. कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लोगों तक वो पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें ऐसी होती हैं कि लोग अपनी इज्जत के लिए ना डरते हैं और नहीं बोलते. तो वो लोग ये शो में आते हैं और अपनी कहानी मुझे बताते हैं और वो कहानी मैं दुनिया तक पहुंचाता हूं. क्योंकि हर हर घर में वो तकलीफ है, तकलीफ है. और मैं ज्यादा करके देखा इसमें कि जितने भी मेरी माता बहन है ना, वो डरती है, डरती है. यार कुछ ऐसे लोग हैं इसमें जो समाज को डरते हैं कि हम अगर हमारे बेटी के साथ क्या होगा, अगर हम पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट गए, तो फिर ये समाज क्या बोलेगा. तो ये समाज कुछ नहीं होता है, ये समाज सिर्फ आपका तमाशा देखता है बस, आपके आपके खुशी में आता है बस, आपके दुख में कोई नहीं आता है. तो समाज से डरने का नहीं, जितना भी मेरा माँ बहन है ना सबको बोलता है बिंदास लड़ने का, तुम्हारा बहू साथ में है ना. क्या बात है. बाबू आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी. आपने एक्सपीरियंसेस बटोरे हैं, आपने सभी लोगों से बातें की है. अनसुनी एक ऐसा चैट शो है, एक ऐसा टॉक शो है जहाँ पर आप आम लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुन के उन्हें आप हौसला दे रहे हैं, उन्हें आप कुछ मसले दे रहे हैं. तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बार तो ऐसा भी हुआ ना कि उनकी कहानी सुन के ना मेरे आंखों में आंसू आ गए थे. ऐसे भी है गांव में कुछ जिनके साथ बहुत बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई है जो जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना वो समझ नहीं पाते, वो गरीब का दुख और वो समझा नहीं पाता है. क्योंकि ये 4 किताब ज्यादा पढ़ते हैं ना, ये 4 किताब ज्यादा पढ़ते हैं. जिस दिन आपने वो इंसान का दुख समझना चालू किया ना, उसका दर्द समझना चालू किया ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि वह 4 किताब से बढ़कर ना इसका दुख होता है. पढ़ाई तो होती रहती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मगर जो ठोकर खाकर सीखने को मिलता है ना वो पढ़े कर नहीं मिलता है. हाँ, मैंने मेरे बचपन से ना मैं 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ा, तकलीफें देखा क्या होता है, तकलीफ बुक कैसे खरीदे जाते हैं, कैसा आगे चलना पड़ता है, क्या होता है क्या नहीं. ये जितने भी मेरे मीडिया वाले हैं ना, इनको पूछो,
इनसे मेरा बहुत प्यार चलते रहते बातचीत, इनको भी बोलता हूँ कभी कभी आप लोग ना वो गरीब के भी घर पे जाके देखो, क्योंकि आप ना आप ये दुनिया की आंखें है, वो गरीब के घर पे जाके पूछो कि तेरे घर में आ जाना है या नहीं। वो किसी फिल्म स्टार को चीख आने के बाद आप जाके पूछते ना मैडम को सर्दी हो गया, मैडम पटक कर से ना जा सकता है बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास, वो गरीब नहीं जा सकते, उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता है, तो क्यों नहीं चल रहा है? जिनको हम नेताओं को जीता के देते हैं ना, वो नेता बस वो टाइम आता है 5 साल तक मुंह नहीं दिखाता है, वो नेता को पूछना साले को ऐसा है, तो थोड़ा कड़वा बोलता है मगर सच बोलता है, वो हर इंसान का ना वो आवाज है जो मैं बोलता है, फर्क इतना है कि मैं बिंदास बोलता है आप बोलने से डरता है, नहीं डरने का किसी से बाप से नहीं डरने का, आज का दिन है ना अपना, ये बोनस लाइफ है, कल का भरोसा नहीं है क्या नहीं, तो जियो तो शेर के जैसा जियो ना, कुत्ता बिल्ली का जैसा जिंदगी नहीं जीने का, बिंदास बोलने का, जिसको बुरा लगता है बुरा लगता है घंटा मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है, और जो सच है वो सच, सच कड़वा होता है मगर सच होता है। इसीलिए इस शो का नाम परफेक्ट दिया है, अंसुनी मेरी कही मैंने सुनी, क्या बात है, बहुत थैंक यू सो मच। हम अगला प्रश्न पूछा जाएंगे अविनाश जी आपसे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप 11 बजे सो जाता था मैं यार डर के इनसे, क्योंकि इनका फोन आता था हमारे डायरेक्टर साहब का, बहुत सोया बहुत खाना खाया, सुबह 9 बजे कॉल बहुत पहुंचे नहीं, सुबह 9 बजे बराबर उस पर पहुंच जाता था, तो खुशी भी ये होता था कि मेरा आदत है मैं किसी को जबान दिया ना मैं कि तुम्हारे लिए करेगा तो करेगा, तो फिर उसके लिए पीछे नहीं हटता है, जब तक इन लोग का 50 एपिसोड नहीं हुआ ना तब तक पूछ लेना इनको सबको, भाव बराबर सोया नहीं था, उसके बाद फिर पूरा 50 एपिसोड का मैं सो लिया एकदम ऐसा है, पर बहुत मजा आया बहुत मजा आया बहुत मजा आया, बहुत मेहनत किया यार बहुत मेहनत किया, आज कैसे है मतलब बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस बड़े समझा, उनको क्या है उनका नाम है ना, एक बार ये भी ना अतरंगी का नाम होएगा तो पता चलेगा, आज भी नाम ही है इसको ब्रांड बनाएंगे एकदम तो पता चलेगा। थैंक यू सो मच। वेल प्रश्नों का तो सिलसिला जारी रहेगा बट